So we will be talking about historical importance of sources with special emphasis on literary sources. अब लिटरेचर के बारे में कल मैंने ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग तो आपको कराई थी कि रिलीजियस लिटरेचर है, सेकुलर लिटरेचर है, नेटिव है, फॉरेन है, राइट? तो बहुत सारी तरह का लिटरेचर है. आज इसके अंदर की हम बहुत सारी सब कैटेगरीज को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे. सो अच्छा, पहले तो ये बताओ, पिक्चर क्लियर दिख रही है ना बोर्ड पे? आई मीन ये जो पीपीटी है. ऑलराइट, थैंक्स प्रखर. तो अभी थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं विंडो नहीं दूंगा डिस्कशन के लिए या डाउट्स के लिए, आप प्लीज ना तो हैंड्स रेज करना और ना ही आप अभी डाउट्स पूछना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा. आई विल बी मोर फोकस्ड ऑन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. सो वंस आई एम डन विद एक्सप्लेनेशन ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग एंड देन आई गिव यू अ विंडो, देन यू स्टार्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस, राइट? सो अ स्टडी ऑफ पास्ट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट, हमें ना पास्ट की स्टडी करते हुए जो हिस्ट्री से हमें चीजों को एक्सट्रैक्ट करना, उसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि एंशियंट सिविलाइजेशंस के बारे में हमें पता चलता है, किंग्स के बारे में पता चलता है, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, पेजेंट्स के बारे में पता चलता है, यानी कि कॉमन लोगों की लाइफ के बारे में, ट्रेड नेटवर्क्स कैसे बने, कैसे ट्रेड हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, एग्रीकल्चर कैसे ग्रो हुआ, एग्रीकल्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन सी क्रॉप थी, लोगों की डाइटरी क्या थी, डाइटरी हैबिट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पास से मिलती है. एंड दिस नॉलेज इज अराइव्ड एट थ्रू केयरफुल एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन. सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं, उसको री एग्जामिन भी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को जिक्स्टापोज भी किया जाता है कि इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, लिटरेचर में उसके मेंशंस हैं या नहीं है, उसके कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो मल्टीपल सोर्सेज को कोरोबोरेट करके फिर प्रॉपर री एग्जामिनेशन के बाद फैक्ट्स को डिड्यूस किया जाता है कि इन बातों को अब हम सही मान लेते हैं. तो दिस नॉलेज इज डिराइव्ड एट थ्रू careful examination and re-examination of evidence derived from historical sources and the interpretation of the same. अब जहाँ पे ये word आती है ना interpretation of the same, यहाँ पर एक issue बन जाता है कि different people may interpret different things differently. तो उससे क्या होगा कि history जो है वो किसी के भी मन की बात थोड़ा बन जाएगी. तो इसके लिए कुछ scientific yardsticks भी जरूरी होते हैं, ताकि आप कुछ भी ना ही लिखते जाओ. Sources in isolation have no meaning. कि मेरे को लग रहा है कि ये लिखा हुआ तो ये सच है, मुझे उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी चाहिए. सो आइसोलेशन में सोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं है. हिस्टोरियंस हैव टू एनालाइज देम, एक्सट्रैक्ट मीनिंग आउट ऑफ देम एंड यूज देम टू स्ट्रिंग टुगेदर अ नैरेटिव अबाउट द पास्ट. कि देखो ऐसा हो रहा है कि बहुत समय से हमें क्वाइंस पे फीमेल की फिगर्स नहीं दिख रही, इंस्क्रिप्शंस में फीमेल्स के इंडिपेंडेंट होने के कोई एविडेंसेस नहीं आ रहे हैं, राइट? तो दो सोर्सेज हो गए, क्वाइंस, न्यूमिस्मेटिक और एपिग्राफी. फिर हम लिटरेचर पढ़ते हैं, उसमें भी बताया गया कि पोजीशन ऑफ वुमेन वाज इन सबॉर्डिनेशन टू द मेन. तो ये कंफर्म हो गया कि इस सोसाइटी का ये इशू था. बट ऑन द अदर हैंड, अगर इंस्क्रिप्शंस में, जैसे मैंने कल बताया था, प्रभावती गुप्ता, प्रभा देवी गुप्ता जो है उसका नाम आता है इंस्क्रिप्शंस में कि वो डोनेशंस कर रही है, या कुमारा देवी जो गुप्ता क्वीन है उसकी इमेज क्वाइन पे आई है, तो एक तरफ तो वो डोनेशंस भी कर रही हैं, फिर उनकी इमेजेस भी आ रही हैं क्वाइंस पे, और लिटरेचर में कहीं ये लिखा हो कि औरतों को इस टाइम पे बिल्कुल ही सबॉर्डिनेशन में कर दिया, तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो गया, राइट? द सोर्सेज आर कन्वेंशनली डिवाइडेड अंडर टू हेड्स, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल. अदरवाइज हम आर्कियोलॉजिकल को ऊपर रखते हैं, बट क्योंकि हमने कल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कंप्लीट कर दिए थे, तो इसलिए आज उनको मैंने नीचे कर लिया, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल. While literary sources include any text that is written or oral, बातों से भी, जो कहानियों से भी चली आ रही चीजें हैं, उनसे भी हमें हिस्ट्री की बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है. फिर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिन्हें हम टेंजिबल या मटीरियल रिमेन्स बोल देते हैं. दिस कैटेगराइजेशन, ये जो मैं कल समझा के गया था उसी को मैं एक बार दोबारा से डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रहा हूँ. दिस कैटेगराइजेशन however, is by no means watertight. जैसे ना writing needs a surface to exist. आप किसी चीज पे तो लिखोगे which makes it tangible in a sense, कि आपने stone पे लिखा है, आपने copper पे plate पे लिख दिया है, या आपने coins के ऊपर लिखा हुआ है, right? So आपने क्या किया कि एक archaeological evidence भी create कर दिया. In the same way, archaeological sources may have writing on them, जैसे कि coins and inscriptions होते हैं. तो ये watertight compartmentalization कहीं भी possible नहीं है. Then historical analysis thus is possible only with a vigilant consideration of all fluidities involved. ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं पे
आप देखो एक ना एग्जांपल देता हूँ, हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक में हमें पता चल रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट वोकैबुलरीज यूज हो रही हैं या डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स दिख रहे हैं, अगर वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं तो पता चल रहा है कि बाद में कुछ लोगों ने इस बुक में एडिशंस कर दी हैं, कुछ लैंग्वेजेस सेम चल रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बाद में वो लैंग्वेजेस का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। दैट मीन्स ये एक पीरियड की बात नहीं है, डिफरेंट पीरियड्स में इसको कंप्लीट किया गया है। अब आते हैं हम लिटरेरी सोर्सेज पर। These include manuscripts, handwritten जो है, travelogues जो बाहर से लोग आए अपने travels के बारे में लिख के गए, memoirs जो अपनी life के ऊपर लिखी गई चीजें हैं, और religious texts, right? All history before the appearance of writing is called prehistory. और writing सबसे पहले कहाँ आई? Mesopotamia में, जहाँ पर papyrus and in India Harappan civilization में, but unfortunately Harappans की language को अभी तक हम नहीं समझ पाए, उनकी स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई। द इमर्जेंस ऑफ राइटिंग इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ वॉटरशेड इन हिस्टोरिकल एनालिसिस। अदरवाइज ना हम सिर्फ और सिर्फ रिमेन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाते, अगर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे, अगर हमारे पास राइटिंग्स कभी भी ना होती, राइट? सो एक वॉटरशेड था कि हमारे को अब हिस्ट्री को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए रिटन रिकॉर्ड्स मिलने शुरू हो गए, एज इट इज मोर कंक्रीट देन ओरल ट्रेडिशंस। बातों में तो फिर कोई कुछ भी ऐड कर देता है, कोई कुछ भी बोल देता है, मेरे को लगता है, मैंने सुना था, राइट? तो वो चीजें अब खत्म हो गई। हाउएवर लिटरेरी सोर्सेज डू नॉट जस्ट यील्ड फैक्ट्स, दे कैन ओनली बी स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच हाउएवर लिटरेरी सोर्सेज डू नॉट जस्ट यील्ड फैक्ट्स, दे कैन ओनली बी स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। उस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का जो रेफरेंस हम लेते हैं ना हिस्ट्री में, वो बहुत मीनिंगफुल बन जाता है कि इस टाइम पर ये पर्टिकुलर जो फूड हैबिट्स हैं वो पॉपुलर हो रही हैं, तो लोगों की उससे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, राइट? या इस टाइम पर ये वाला जो मेटल है ये ज्यादा प्रोमिनेंस में आ गया, तो इस टाइम पे कौन से देशों के साथ ज्यादा ट्रेड चल रहा होगा, क्योंकि अगर वो इंडिया में मेटल नहीं मिलता तो कहीं से तो हम मंगवा रहे होंगे जिसके हम क्वाइंस बना रहे हैं, या अगर हमने वो क्वाइंस को अब यूज करना बंद कर दिया या कम कर दिया, तो पहली बात, क्या इंडिया के जो उसके रिजर्व्स थे नॉन रिजर्व्स वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, या क्या जहां से हम बाहर से मंगवा रहे थे उनके साथ हमारे रिलेशन स्पॉइल हो गए हैं? जैसे ना श्रीन रत्नागर मैम ने अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा नाम की एक किताब लिखी, उसमें मैम बता रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंगल भी है। वो क्या है कि जो मेलुहा के लोग हैं, मीन्स हड़प्पा के जो लोग हैं, जो इनका फॉरन ट्रेड था मेसोपोटामिया सुमेरिया के साथ और इजिप्ट के साथ, धीरे धीरे वो ट्रेड डिक्लाइन में चला गया। क्योंकि वो ट्रेंड डिक्लाइन में गया तो इनके पास जो प्रॉस्पेरिटी थी वो खत्म हो गई, तो हड़प्पा की जो यूनिक टाउन प्लानिंग थी अब वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो जिसके कारण हड़प्पा का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, राइट? तो ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं व्हेन यू अंडरस्टैंड हिस्ट्री पर से। अब यहां तक अगर किसी ने कुछ पूछना है सो प्लीज रेज योर हैंड। यहां तक कुछ भी नहीं है पूछने वाला, सिंपल, तो कंटिन्यू कर लूं फिर अभी विदाउट एनीवन आस्किंग फॉर एनीथिंग फॉर नेक्स्ट 5-10 मिनट्स अगेन। यार यस या नो तो बता दो, ये सारे गुस्से में बैठे हो कि सर सुबह सुबह आगे पढ़ा देते हैं। All right, चलो फिर। अपना अगला पॉइंट है, रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट हैव टू बी सेपरेटेड, रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम मिथ्स लेजेंड्स एंड आइडियल्स। एक तो हो गया ना कि हमने बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें लिख दी, ये राजा तो बहुत ही पराक्रमी था, ये तो विष्णु का अवतार था, या ये इंद्र का अवतार था, राइट? अब इसको छोड़ो, फैक्चुअल चीजें पढ़ते हैं कि इसने कितने बैटल्स लड़े, कहां कहां पे वो जीता, कहां पे फिर फाइनली वो हारा। जैसे ना एक जक्स्टापोज करने का आइडिया और फैक्चुअल चीजों को अंडरस्टैंड करने का आइडिया, जो हर्षवर्धन के अकाउंट्स हैं, हर्षचरितम अगर हम पढ़ दें तो बाणभट्ट की, उसमें बताया हुआ कि हर्षा तो ग्रेट वॉरियर है, हर्षा तो हारता ही नहीं है, जीतता ही जाता है, जीतता ही जाता है। फिर उसका कंटेम्परेरी चलुक्या किंग है,
पुलकेशिन सेकंड, उसके अगर हम रवि कीर्ति उसके राइटर हैं उनकी अगर हम एहोल इंस्क्रिप्शन पढ़ें तो वो बता रहा है कि पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पे हरा भी दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि हर्षा अ ग्रेट वॉरियर बट डिफीटेड बाय पुलकेशिन टू ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, राइट। तो इससे ना हमें दो कंटेम्पररी राजे भी पता चल गए डिफरेंट सोर्सेज से, हिस्ट्री को बेटर अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिल गई, और साथ में ना जो हर्षा के बारे में बहुत ज्यादा बताया हुआ था कि महान थे और बड़े तगड़े वॉरियर थे, कभी हारते नहीं थे, वो भी कंफर्म हो गया कि भाई वो हारे भी हैं, इट्स नॉट दैट कि ही इज लाइक इनविंसिबल। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ अ टेक्स्ट, हु प्रोड्यूस्ड इट, हाउ, अंडर हूज पैटर्नेज एंड फॉर हूम। अब ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, बुक्स लिखी जा रही है किसके लिए लिखी जा रही है, उनको पढ़ना किन्होंने है। आम जनता तो इतनी पढ़ी लिखी होती नहीं थी उस टाइम पर, तो ऑडियंस कौन थी जिसको इन्होंने कैप्टिवेट करना है, एक। दो, इसको पैटर्नाइज कौन कर रहा है। अगर जो कल मैंने एग्जांपल दिया था उसी एग्जांपल को दोबारा लेते हैं, अबुल फजल मेरे लिए, मैं अकबर हूं और अबुल फजल मेरे लिए आईने अकबरी लिख रहा है, तो अब ये कैसे ही पॉसिबल है कि वो मेरे बारे में कुछ बुरा लिख दे। आफ्टर ऑल मेरा सैलरीड एम्प्लॉय है, हर महीने मेरे से वेतन लेता है, तो उसको तो मेरी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, और ज्यादा गलत बता दिया क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पे ना महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम की एक बड़ी जबरदस्त बात है, वो तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें हिस्ट्री का एक फैक्ट समझ आ जाएगा। सो एक दिन महाराजा रणजीत सिंह जी ने ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेंटर्स को इन्वाइट किया और उनको बोला कि मेरा ना पोर्ट्रेट बनाओ। अब महाराजा रणजीत सिंह जी सीधे बैठ गए, और हम सबको पता कि उनकी एक आंख नहीं थी, वो पंजाबी को तो काणे सी, राइट। अब एक राइटर ने क्या, एक पेंटर ने क्या किया, उनकी पेंटिंग बनाई उनको खुश करने के लिए, उनकी दोनों आंखें ठीक दिखा दी, और एक पेंटर ने बिल्कुल रियलिस्टिक बना, थोड़ी सी उनको रियलिस्टिक बिल्कुल इमेज दे दी कि एक आंख ठीक है गलत कर दी। अब उन्होंने दोनों पेंटर्स को पनिश किया, एक को इसलिए कि यार तेरे को मैनेज ही करना नहीं आया डिप्लोमेटिकली, और दूसरे को भी तू तो मेरी सिर्फ चापलूसी कर रहा है, फ्लैटरी कर रहा है, तूने सच्चाई तो दिखाई नहीं। अब तीसरे पेंटर ने क्या किया, उसने वन साइड पोर्ट्रेट बना दिया जिसमें एक आंख दिख रही है, ये साइड दिख ही नहीं रही है, अब उसको इनाम मिला। तो हिस्ट्री ऐसे लिखी जाती है, हर राइटर कोई चीजें बता जाता है और कोई चीजें छुपा जाता है, इसलिए हमें हिस्ट्री की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसको बहुत तरीके से, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ना कि हर्षवर्धन के बारे में ये नहीं बताया हुआ था बाणभट्ट ने कि वो हारे हैं, और रवि कीर्ति ने बताया कि पुलकेशिन ने उन्हें हराया है। तो दो चीजों को कंबाइन करके फिर बाकी सोर्सेज को साथ में कोराबोरेट करके हमें पता चलता है कि क्या सच और क्या गलत है। देन रिलीजियस टेक्स्ट स्पेशली स्टेड इन द ओरल ट्रेडिशन फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड्स। मैंने कल भी बताया था कि वेद तो बहुत समय बाद लिखे गए, बिफोर बीइंग सेट डाउन एज राइटिंग, अ सिग्निफिकेंट एग्जांपल इज वेदास। सच टेक्स्ट ग्रो एंड चेंज ओवर मेनी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। तो जब इनको आप जुबानी याद रखते गए कई सौ सालों तक इसको जुबानी आप एक दूसरे को सुनाते गए, तो इसमें देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हर जनरेशन ने कुछ बीच में इंटरपोलेट कर दिया, कुछ नया ऐड कर दिया। तो अब ये जो वेद हैं इनमें बहुत ज्यादा इंटरपोलेशन हैं, तो ओरिजिनल और न्यू को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है। सच टेक्स्ट ग्रो एंड चेंज ओवर मेनी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, हियर अ हिस्टोरियन नीड्स टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट एडिशंस मेड टू द बॉडी ऑफ टेक्स्ट थ्रू एन एनालिसिस ऑफ कंटेंट, लैंग्वेज एंड राइटिंग स्टाइल्स। अब इसका तुम्हें एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं ताकि तुम इस चीज को समझो। ऐसा मानते हैं हम लोगों ने अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट की, और अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात भी करें तो पहले 100 सालों में ना हम पंजाब वाले रीजन में बैठे हैं, तो हमारे ना ओरिजिनल जो मंत्र है या ओरिजिनल जो हमने लिखा है उसके बारे में ना हमने ज्यादा बातें बताई हुई है, आगे की बातें बहुत बताई हमने तो बताई नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो लेट्स से कि यहाँ के बारे में हमने 100 फैक्ट्स बताए हुए हैं, और फिर जो अगला एरिया जहाँ पे हम धीरे धीरे गए, लेट्स से गंगा वैली की तरफ हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, या फिर हम स्टेप बाय स्टेप साउथ इंडिया की तरफ मूव करेंगे, तो ये तो मैंने कल बता दिया था हम एक दो में नहीं जाएंगे तो ओवरलैपिंग टाइम आएंगे। यहाँ पे हमने 100 फैक्ट्स बताए थे, लेकिन यहाँ पे हमने 100 फैक्ट्स अगले एरियाज के अगर बताने शुरू किए तो हम पिछले फैक्ट्स को तो भूल ही नहीं सकते हैं। अब ग्रो तो करेगी इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर कोई यहाँ पे 150 फैक्ट्स की बात बताए और उस 50 फैक्ट्स में वो यहाँ की बातें बतानी शुरू कर दे, तो हिस्टोरियन को समझना पड़ेगा कि एक तो ये ओवरलैपिंग टाइम आ चुका था, लोग धीरे धीरे इधर मूव कर रहे थे, लेकिन वो जो मूवमेंट है
जब ये 100 कंप्लीट हो रहे हैं और फिर ये 100 कंप्लीट हो रहे हैं, इनके बीच में लेट्स से 100 इयर्स बीत रहे हैं, तो इनके बीच में तो 200 या ज्यादा ही बीते होंगे ना, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की मूवमेंट फास्ट हुई होगी। पहले पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी बनाई होगी, राइट, फिर व्हील प्रॉपर बना होगा, फिर स्पोक्ड व्हील बना होगा, फिर हॉर्सेज आए होंगे, फिर चैरियट्स बने होंगे, तो धीरे धीरे मूवमेंट फास्ट हुई। अगर यहाँ पे 200 साल लगे थे, 250 साल, यहाँ 100 लगे थे, फिर 75 लगे होंगे, फिर 50 लगे होंगे। ऐसे हिस्टोरियन बहुत सिस्टमैटिकली टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बेसिस पे फिर वो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। ऐसे लैंग्वेज का चेंज आ जाता है, राइटिंग स्टाइल्स में चेंज आ जाते हैं, बेसिस दैट आप पूरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हो। चेंजेस इन द ओरल टेक्स्ट मे बी सिंपल स्लिप्स ऑफ मेमोरी, ये भी हो सकता है कि कुछ बातें हम भूल गए, हम लिख ही नहीं पाए। जैसे ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस चीज का, कि जब प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई, प्रयाग प्रशस्ति समुद्र गुप्ता के लिए हरिसेन ने लिखी है, ये उसका वॉर मिनिस्टर भी है, उसका ऑफिशियल हिस्टोरियन भी है, और उसके सारे कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिख रहा है कि हमारे राजा ने नॉर्थ में ये जीत दिया, साउथ में ये जीत दिया, सेंट्रल इंडिया में भी जीत दिया, ईस्ट में भी चला गया, वेस्ट में भी चला गया, सब बता दिया, पर ये बताना ही भूल गया कि हमारे राजा ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया। अब राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया, ये हमें कैसे पता चला? न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज से। सो एपिग्राफी साइलेंट की उसने किया है, लेकिन न्यूमिस्मैटिक प्रूफ्स, क्योंकि क्वाइंस के ऊपर वो हॉर्स सैक्रिफाइस करता हुआ डिपिक्ट किया गया, तो दो डिफरेंट सोर्सेज यूज करके हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करी गई। चेंजेस इन ओरल टेक्स्ट में बी सिंपल स्लिप्स ऑफ मेमोरी, बट मे ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन मेन स्ट्रीम माइंड सेट shaped by shifts in socio-cultural and economic paradigms. कोई एक टाइम होगा जब let's say कि औरतों को importance मिलती थी, but धीरे धीरे औरतों की importance को थोड़ा कम किया गया, intentionally male chauvinism बढ़ा society में, अगर right, तो तुमने पिछले कुछ उन traditions को continue करना बंद कर दिया जिनमें औरतों को independence मिलती थी। जैसे ना love marriage की अगर हम बात करें, तो वेदों में तो 8 तरह की मैरिजेस में गंधर्व विवाह भी है, मैरिज बाय चॉइस, लड़की अपनी मर्जी की शादी कर सकती है, लेकिन फिर धीरे धीरे इस चीज को मेमोरी से ही निकाल दिया गया, हिस्ट्री में इसके रेफरेंसेस कम कर दिए गए, और ये बोला गया कि हमारे ट्रेडिशन में तो पेरेंट्स ही शादी फिक्स करते हैं। इट इज ऑल्सो क्रूशियल टू टेक इन टू अकाउंट द आइडेंटिटी ऑफ द ऑथर, कि लिख कौन रहा है। एनोनिमस होके भी लिखने में बहुत बातें आ जाती है, आप किसी देश के हो कि आप बाहर से आए हो, तो कुछ ना कुछ तो आपको ऑथर की ऑथेंटिसिटी पता होनी चाहिए, बेसिस दैट आप अंडरस्टैंड करोगे कि उसने जो लिखा है वो ठीक है या वो गलत है। द ऑथर्स जेंडर, उसकी क्लास, उसकी कास्ट, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी रिलीजियस एफिलिएशन, ये सब कुछ मैटर करेंगे ना कि वो क्या लिखता है और क्या टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है। ब्राह्मण अगर लिखेंगे, लिखते भी ब्राह्मण ही थे, तो वो तो बताएंगे ही कि हम बेस्ट हैं, हम मोस्ट सुपीरियर हैं, और फिर वो बताएंगे कि सोसाइटी में ग्रेडेशन है, ब्राह्मण टॉप पे आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, फिर शूद्र आते हैं। अगर कहीं आपको कोई शूद्र राइटर मिले और वो आपको बताए कि ऐसा है, फिर तो बात समझ आती है, पर शूद्रों को तो आप बोलते हो वो लिख ही नहीं सकते, राइट। मोर ओवर मैनी अर्ली वर्क्स वर प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल ऑथर्स, एक आदमी तो लिखा नहीं, मोस्ट ऑफ होम रिमेन एनोनिमस, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम पूरा टेक्स्ट किसी एक राइटर के नाम पे रखें, या हम अंडरस्टैंड ये करें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट लोगों ने इन बुक्स को कंपाइल करना शुरू किया, और फाइनली जिसने इसको लास्ट में आके लिखा हमने उसके साथ नाम जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो कौटिल्य है उसने अर्थशास्त्र पूरा लिखा ही नहीं है, ये तो स्टेजेस में कंप्लीट हुआ, राइट। आइडेंटिफाइंग देम इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस, यही तो एनालिसिस है कि जो अर्थशास्त्र में सारी बातें बताई गई हैं, क्या वो मौर्य काल की हैं या पोस्ट मौर्य की भी हैं या प्री मौर्य की भी हैं, तो आप बाय द वर्च्यू ऑफ नोइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ऑथर, हिज कास्ट, हिज क्रीड, हिज जेंडर, हिज प्लेस ऑफ बर्थ, हिज टाइम, यू कैन बेसिकली बेटर अंडरस्टैंड एंड वेल इल्यूमिनेट द पास्ट। द इंटेंडेड ऑडियंस फॉर द टेक्स्ट, किसको पढ़ाना था, द एरिया एंड मींस ऑफ सर्कुलेशन, वहां तक पहुंचाया कैसे गया, All can be used as tools for interpreting the sources. अब जैसे ना मेगस्थनीज थे, एक जिन्होंने इंडिका लिखी है, ग्रीक एम्बेसडर थे जो सेलुकस निकेटर के साथ आए थे ना यहाँ पर, अलेक्जेंडर के साथ। अब जब वो आए और उन्होंने हमें ये बताया पूरा इंडियन सोसाइटी के बारे में, तो वो ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो
उनकी यूरोपियन ऑडियंस है उसको इंडिया के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बता रहे हैं जो बड़ी रोमांटिसाइज करके इंडिया के बारे में बताई जा रही हैं, और समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सच भी था या सब ऐसे फालतू में लिखी जा रहे हैं और बोली जा रहे हैं। रीजन भी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था कि उन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं कि 10-10 फुट ऊंचे लोग देखे हैं जिनके पांव उल्टे होते हैं, ऐसे लोग देखे हैं जिनकी बॉडी ह्यूमन बॉडी है लेकिन फेस डॉग्स जैसे हैं, तो बड़ी अजीब अजीब सी बातें लिखी हुई हैं उन्होंने। तो अब उन सारी बातों को कैसे समझना है वो बड़ा मुश्किल है। फिर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। अब जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये संस्कृत की हैं, ये पाली की हैं, ये प्राकृत की हैं, ये तमिल की हैं, तेलुगु की हैं, कन्नड़ की हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पे। कंटेंट कि ये कंटेंट क्या है, कंटेंट मींस ये रिलीजियस है कि सेकुलर है। फिर जेनर टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, मींस ये पोएटिक है, ड्रामेटिक है, ये है क्या। तो इनके बेसिस पे भी हम सोर्सेज को डिवाइड करते हैं। Languages associated with Indian subcontinent have been mainly divided into two groups. Indian subcontinent में दो groups हैं, एक Indo-European languages family है और दूसरी Dravidian family है। Indo-European and Dravidian, अब हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, पंजाबी, मराठी, सिंधी, बंगाली, एसमीस, उड़िया, नेपाली, कश्मीरी, ये सारी languages Indo-European languages हो जाती हैं। So do foreign languages such as Persian, Greek, Latin, German, French, Dutch, Italian, Spanish and Armenian. So all these are languages of Indo-European, right? In sab mein bahut common similarities aapko milengi, affinities milengi. The Dravidian group consists of Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada and Tulu, mainly spoken in South India today. So ye do main humare paas language families hain. There are also other languages which do not belong to either of the two groups. अब ये कौन सी हैं? इनमें आ जाती हैं number one पे some example are Barohi, which is spoken in Baluchistan area of Pakistan, Gondi in central India and Malto in Rajmahal hills of eastern India. अब paper में ना तुम्हें ये वाली languages as such लिखने की जरूरत नहीं है, but GS में जहाँ पे culture का part आता है वहाँ पे ये languages भी तुम्हारी help कर देती हैं, कई बार इनपे direct questions आ जाते हैं। So, अब अगर तुम हिस्ट्री ऑप्शन कर रहे हो तो जीएस में कल्चर वाले पार्ट में तो तुम्हारा थोड़ा स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। फिर संथली है, मुंडरी है, खासी है एंड सम अदर लैंग्वेजेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली एंड सर्टेन लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट सच एज मणिपुरी, बोडो, गारो एंड लुसै बिलोंग टू तिब्बतो बर्मीज फैमिली। और अंडेमानीज, वन ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन इन अंडेमान आइलैंड्स is not apparently related to any of the known language groups. अब जो तीन main languages हैं ancient India के लिए, Sanskrit, Pali and Prakrit, are some of the Indo-European languages in which major texts as Vedas were written. Sanskrit में ज्यादातर Vedas लिखे गए हैं, Pali में Buddhist text हैं और Prakrit में Jain text मिल जाते हैं, right? Tamil followed by Kannada. From the Dravidian group has the oldest literature, जो संगम literature है वो तो सारा हमारे पास तमिल में पड़ा हुआ है। अब अगर हम literature में कुछ specific books की बात करें तो पाणिनि की अष्टाध्याय और पतंजलि की महाभाषा are major texts of Sanskrit grammar, जहाँ से grammar से हमें rules के बारे में पता चलता है, different word meanings पता चलते हैं। और उसी तरह से तमिल की oldest grammar है तोलिका पीएम, written by तोलिका पीआर। Varuchi has the same significance in Prakrit, ये उनकी ग्रामर है। By comparing the structure of language in these ancient texts to the modern day languages, we can study their evolution. कैसे धीरे धीरे संस्कृत से एक एक करके चीजें इवॉल्व हुई, कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस बनी पाली से, प्राकृत से। जैसे बोला जाता है बहुत सारी लैंग्वेजेस प्राकृत भाषा के कारण आज हम बोलते हैं, जैसे कि गुजरात की कुछ भाषाएं प्राकृत भाषा से निकली हैं। They also contain some historical references. अब ना इसका तुम्हें एक example देता हूँ। महाभाष्य हो या पाणिनि की अष्टाध्याय हो जो संस्कृत ग्रामर्स हैं, या अमरकोश हो बाद में जो अमर सिम्हा ने लिखी है, इसमें ना वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कि पुनर्बहा, मीन्स जिसकी सेकेंड मैरिज हो फीमेल की, राइट, और उससे जो बच्चा भी पैदा हो। अब जब ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं तो इससे पता चलता है यार कि इस सोसाइटी में तो विडो रीमैरिज का वर्ड अगर है तो इसकी प्रैक्टिस भी हो सकती है। फिर ये वर्ड लिखा क्यों हुआ और इसको फॉरबिडन क्यों नहीं किया हुआ? तो
लैंग्वेजेस के बेसिस पे, वर्ड्स के बेसिस पे हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल होता है. आर द लिटरेरी सोर्सेज ओनली रिलीजियस इन नेचर? क्या हमारे देश में जितनी लिखी गई वो सारी रिलीजियसली ओरिएंटेड थी? हमें तो पता नहीं है, लेकिन बेस्ट कई बार ये एलिगेशन लगाता है. देयर इज अ कॉमन बिलीफ दैट मोस्ट ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया आर रिलीजियस. ये एक मिथ है, अदरवाइज आर रिलीजियस. हाउएवर संस्कृत एंड हिंदी वर्ड धर्म, जो है जिसे कहते हैं धर्म, धर्म शास्त्र लिखे हैं, धर्म सूत्र लिखे हैं, डज नॉट हैव द सेम कनोटेशंस एज इंग्लिश वर्ड रिलीजन इन टर्म्स ऑफ रिजिड बिलीफ. हमारे यहाँ पे बहुत वाइड कनोटेशन है धर्म का. इट इज मच मोर प्रोग्रेसिव टर्म डिस्क्राइबिंग एन एग्जाम्पलरी वे ऑफ लाइफ, जिसमें मॉरल कोड्स भी आते हैं, रिचुअल्स भी आती हैं, एक्टिविटीज एंड नॉर्म्स, सब कुछ कवर होता है विद इन द फोल्ड ऑफ धर्म. दस हेयर अगेन वी फाइंड अ ग्रेट डील ऑफ फ्लुइडिटी इन द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस टेक्स्ट. अब वो क्या डिफरेंसेस आते हैं, मेनी ऑफ द टेक्स्ट हिस्टोरियन यूज वर नॉट कॉन्शियसली रिटन विद द पर्पस ऑफ प्रिजर्विंग हिस्ट्री. कुछ किताबें हमने धर्म की दृष्टि से लिखी जिनमें ये इंटेंट ही नहीं था कि हिस्ट्री प्रिजर्व करनी है. द ब्यूटी ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इज दैट एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट कैन बी यूज्ड एज मींस ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट. अब आपने ना एक रिलीजियस बुक लिखी जिसमें आपकी इंटेंट नहीं थी कि आप हिस्ट्री प्रिजर्व कर रहे हो, तो आपने पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बिल्ड किया, लेकिन आपने सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, ऐसी बहुत सारी चीजें तो बता दी ना. तो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो इन टेक्स्ट में से, जिनकी अदरवाइज कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ना भी दिख रही हो, उनमें से भी वो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स निकाल लेते हैं जिससे कि फॉर सोशल लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प मिल जाए. सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इजी और बड़ा एग्जाम्पल, और कुछ पता लगे ना लगे, अगर आप कोई एक स्टोरी शेप में बता रहे हो ना कि ये एक रिलीजियस लाइफ के ऊपर, रिलीजियस बिलीफ के ऊपर सिस्टम चल रहा है कि ये वाले जो ऑक्यूपेशंस हैं इनको अच्छा माना जाता है और ये वाले ऑक्यूपेशंस को बुरा माना जाता है, तो आपने इकोनॉमिक लाइफ को इंटरप्रेट कर ही दी ना उसमें से कि कौन कौन सी तरह के ऑक्यूपेशंस उस टाइम पे चलते थे. फिर आपने उनकी थोड़ी ग्रेडिंग भी देख ली तो सोशल हायरार्कीज भी समझ आ गई. फिर ये भी पता चल जाता है कई बार कि जेंडर बेस्ड डिविजन कैसा होता था सोसाइटी में. So this way you understand a lot of things from even those sources which are not obviously written for history. अब श्रुति एंड स्मृति से पहले एक और विंडो ले लेते हैं, डाउट पूछ लेते हैं. प्रखर बोलो सर. हेलो, नमस्ते सर. सर इज पाली अ सबसेट ऑफ प्राकृत? नो सर, क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम अभी एएमसी के लेक्चर लेते विशाल सर के, उन्होंने कहा था प्राकृत के अंडर ही पाली, अपभ्रंश और ये सब आती हैं. देखो पता क्या है, दोनों लैंग्वेजेस एक साथ आई हैं, दोनों की ग्रामर में एफिनिटीज हैं, तो कुछ राइटर्स ने बोला है, बट एग्जैक्टली नहीं है, मतलब अलग है पाली और प्राकृत. हाँ. ओके सर, थैंक यू. और कोई डाउट? दैट इज इट प्रखर. ऑलराइट, तो फिर आगे चलें. अब अच्छा एक बात बताओ कि अगर अब तुम्हारे को ये दो लेक्चर्स के बाद, मैं एक आज का लेक्चर खत्म करने के बाद एक क्वेश्चन दे दूं कि चलो आंसर लिखो, तो आज ये करेंगे? वेरी गुड, प्रखर सेड यस, बाकी सेड नो. ओके, शोभित यस एंड अदर्स यस. ऑलराइट, तो सिंपल वे में हमने काम करना है. आज से एक छोटी सी हैबिट बनाएंगे, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद से कल तक, प्रीवियस ईयर्स में, पिछले 5 सालों में, इससे ज्यादा पीछे नहीं अभी जाते, पिछले 5 सालों में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को लेके जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपने एक बार अब सॉल्व करने हैं. एक या दो बार ही आए होंगे, ज्यादा तो आए भी नहीं होंगे, तो वो आपने अब एक बार अगले 2-3 दिनों में आंसर लिख के मेरे से इवेल्युएट कराने हैं. और आंसर लिख के, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, आंसर लिख के थोड़ी पेशेंस रखनी है. सर लेक्चर भी ले रहे हैं, सर लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, सर जीएस के आंसर भी चेक कर रहे हैं, सर ऑप्शन के आंसर भी चेक कर रहे हैं, तो सर को मिनिमम अब तुम लोगों को रिप्लाई करने के लिए 48 आवर्स तो चाहिए. कभी टाइम होता था मैं कहता था 24 आवर्स, लेकिन अब 48 आवर्स. तो बार बार एक मैसेज को दोबारा दोबारा भेज के विद इन 48 आवर्स मेरे को ह्यूमिलिएट नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेक करना पड़ रहा है
और जीएस के डाउट्स भी बच्चे सारे मेरे से ही पूछी जा रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हैं, चाहे वो इकोनॉमी के हैं। आई हैव बिकम वन सिंगल पॉइंट वेयर एवरीवन इज बैंकिंग ऑन। तो इसलिए मैं तुम लोगों से थोड़ी सपोर्ट मांगूंगा आंसर चेक करने में 48 आवर, छोटे छोटे डाउट्स के लिए 48 मिनट्स। डन, चलो आओ। अब श्रुति एंड स्मृति, जिन्होंने हिस्ट्री पहले पढ़ी है गुड, जिन्होंने पहले पढ़ी ही नहीं है हिस्ट्री तो उनके लिए भी थोड़ा सा श्रुति एंड स्मृति में डाउट क्लियर कर देते हैं। विद इन द हिंदू ट्रेडिशन देर आर टू काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। श्रुति लिटरली जिसका मीनिंग है दैट विच हैज बीन हर्ड, जो सुना है, एंड स्मृति लिटरली रिमेम्बर्ड, इसको याद किया गया है। द कैटेगरी ऑफ स्मृति टेक्स्ट इंक्लूड्स वेदंगास, पुराणास, एपिक्स, धर्मशास्त्रास एंड नीति शास्त्रास, वेयर एज वेदास हैव द स्टेटस ऑफ श्रुति। अब अगर इसको ब्रॉड टाइम के साथ समझाऊं और एक बार बोर्ड पे आप लोगों को ले आऊं, तो ये टेबल आप साथ साथ बना भी लेना अपने पास। दो तरह के हमारे पास लिटरेचर हैं, श्रुति एंड स्मृति। ये बेसिकली माना जाता है ये ओरल था और ये डिवाइन है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान, और ये काइंड ऑफ मैन मेड है। ठीक है, श्रुति एंड स्मृति, इसमें वेद आ जाते हैं और चारों वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये चारों वेद आ गए श्रुति में। वेदों के अलावा इसमें आते हैं ब्राह्मणास, राइट, सारे वेदों के साथ उनके एसोसिएटेड ब्राह्मणास हैं। ब्राह्मणाओं के बाद आते हैं अरण्यकास, यानी कि जंगल बुक्स, जो हर्मिट्स ने जंगल में बैठ के लिखी थी, ना कि मोगली वाली बुक्स, राइट, अरण्यकास। फिर आते हैं उपनिषदास, उपनिषद 108 है टोटल उपनिषद, और ये लास्ट में लिखे गए हैं वैदिक कॉन्टेक्स्ट में, तो इन्हें वेदांता भी कहते हैं, वेदों का अंत, वेदांत, राइट। तो श्रुति में आते हैं चार वेद, उनके ब्राह्मणास, उनके अरण्यकास, और फिर आते हैं उपनिषदास। स्मृति में इतिहासा एंड पुराणास, ये दो चीजें तो आएंगी, इतिहासा एंड पुराणास। इतिहास मींस दो बड़ी इंपॉर्टेंट एपिक्स हैं ये। एपिक्स कौन कौन से हैं? रामायण एंड महाभारत। रामायण बाय वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत बाय वेद व्यास, राइट। ये तो दो हो गए एपिक्स। फिर पुराणास, 18 पुराण है हिंदू धर्म के, वायु पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्तंडेय पुराण, बहुत सारे पुराण है। इसके अलावा फिर इसी कैटेगरी में आगे क्या आ जाते हैं? उपवेदास। उपवेदास षड दर्शन शास्त्र, ये अभी सारे वर्ड्स हमारे शीट में हम पढ़ेंगे। उपवेदास षड दर्शन शास्त्र, एंड इसी में आ जाते हैं धर्मसूत्रास, धर्मसूत्रास, और इसी में आ जाते हैं गृहसूत्रास, धर्मसूत्रा और गृहसूत्रास, और इसी में आते हैं धर्मशास्त्रास। तो ये हमारा पूरा वैदिक लिटरेचर है जो श्रुति और स्मृति में डिवाइडेड है। अब श्रुति एंड स्मृति को समझते हैं। दे आर थॉट टू एम्बॉडी एन इटर्नल सेल्फ एक्सटेंट ट्रूथ रियलाइज्ड बाय द ऋषिस। वेदों की बात कर रहे हैं। द वेदास हैव द स्टेटस ऑफ श्रुति। दे आर थॉट टू एम्बॉडी एन इटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंट ट्रूथ रियलाइज्ड बाय द ऋषिस इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन और रिवील्ड टू देम बाय गॉड। तो ये तो भगवान ने बताया। द वर्ड वेदास मीन नॉलेज एंड द लिटरेचर मोस्टली कंटेन्स मिथ्स। इसमें ज्यादातर तो मिथ है,
which were orally transmitted over centuries before finally being written down. अब एक हिस्टोरियन का नाम यहाँ डाल देंगे, जो मैं बता रहा था ना जीएस के क्वेश्चन से बियॉन्ड जाके जब ऑप्शन बनता है, तो मैक्स मुलर ने क्या सजेस्ट किया इन द 19th सेंचुरी कि वेदों की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो 6000 BCE से लेके 1000 BCE के बीच की हैं, राइट? बट मैनी हिस्टोरियंस कंसिडर 1500 से 1000 BCE एज द पीरियड ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्ली वैदिक लिटरेचर और 1000 से 500 BCE एज दैट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट. तो ये करेक्ट पीरियड अब माना जाता है. द प्रॉब्लम ऑफ डेटिंग द वेदास हिंडर्स देयर यूज एज अ हिस्टोरिकल सोर्स. आप उनकी एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाते हो तो एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री उसको यूज करना मुश्किल हो जाता है. क्या ये उस टाइम पे, लिखना तो छोड़ो, क्या उस टाइम पे कंपोज होने भी शुरू हुए थे कि नहीं हुए थे, बेसिस दैट ही हम इनको एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज कर सकते हैं, राइट? अब इससे हिस्ट्री के क्या क्या फैक्ट्स आपको मिलते हैं. दे डिस्क्राइब द अराइवल ऑफ आर्यंस क्लेमिंग दैट दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड ऑक्यूपाइड द अपर गंजेटिक वैली. ऑल्दो दे आर प्रीडोमिनेंटली रिलीजियस टेक्स्ट विद फ्यू प्रेफरेंसेस टू पॉसिबल हिस्टोरिकल इवेंट्स, द टेक्स्ट हैव गिवन हिस्टोरियंस इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी टू इंटरप्रेट द कल्चर रिप्रेजेंटेड इन देम. कि मेल शोविनिस्ट हैं कि फीमेल हैं. अब जैसे ना वेदों में जो गॉड्स के नाम है ज्यादातर सबको मेल पर्सोनिफाई किया गया, फीमेल पर्सोनिफाई नहीं किया गया. तो जिस सोसाइटी का धर्म का जो फैब्रिक है वही मेल डोमिनेटेड है, तो उस सोसाइटी में फीमेल की पोजीशन सबॉर्डिनेशन में ही दिखाई जाती है. देर आर फोर वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. ईच वेद हैज फोर पार्ट्स. संहिता, संहिता क्या होती है, मैंने बताया था ना कल, वेद जब जुबानी याद रखे गए ओरल ट्रेडिशन में तो वो वेद थे, जब लिख दिए गए तो वो संहिता बन गए. तो सबसे पहले तो वेद की संहिता बनी, संहिता के बाद ब्राह्मणास, फिर अरण्यकास और लास्ट में उपनिषदास. जो लास्ट तीन है ब्राह्मणा, अरण्यक एंड उपनिषदास, द लास्ट थ्री ऑफन ब्लेंड इनटू ईच अदर. संहिता से ब्राह्मणास निकले, ब्राह्मणा से अरण्यकास, अरण्यकास से उपनिषदास, राइट? द ब्राह्मणास इज अ प्रोज वर्जन कंसिस्टिंग ऑफ एक्सप्लेनेशंस एंड कमेंट्रीज ऑन द संहिता. तो संहिता पे एक्सप्लेनेशन देना और कमेंट्री करना ये ब्राह्मणों का काम था, तो थोड़ा उसको और एलाबोरेट कर दिया, थोड़ा उसको और मीनिंग दे दिया. अरण्यकास, फॉरेस्ट बुक्स, डिस्क्राइब हाउ मैन सॉ गॉड्स. लोगों के मन में भगवान की कल्पना कैसी थी, इंटरप्रेट क्या करते थे. दे इंटरप्रेट सैक्रिफिशियल रिचुअल्स इन अ सिंबॉलिक एंड फिलोसफिकल वे. कि ये सैक्रिफाइस करने का ये सिंबॉलिक मीनिंग था और इसका ये फिलोसफिकल रेफरेंस है. उपनिषदास, ऑफ विच देयर आर 18, थ्री बींग प्रिंसिपल वंस, राइट? 108, आई एम सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, 108. थ्री बींग प्रिंसिपल वंस कंटेन हिंदू फिलोसफी विच लेटर बिकेम द कोर ऑफ हिंदू रिलीजन. जो आत्मा और ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट है, कि एक ब्रह्मा है एक आत्मा है, अब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको उपनिषदों से ही मिलता है, राइट? दे इन्वॉल्व कमेंट्री ऑन सेक्रीफाइसेस, द बॉडी, द यूनिवर्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ आत्मा एंड ब्रह्मा. ऋग्वेद कंटेन्स वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएट्री. ऋग्वेद में पोएट्री भी है विद संहिता कंसिस्टिंग ऑफ 1028 hymns, जो मंत्र है उसमें कॉल्ड सुक्तास, अरेंज्ड इन 10 बुक्स कॉल्ड मंडलास. अब ये जो पूरी हिस्ट्री है ये आज मैं सोर्सेज में आपको बताता तो जा रहा हूं, पर वैदिक एज में जब जाएंगे तो वहां पे तुझको और डिटेल में पढ़ना है. पर अब वहां पे आपको रिटर्न नोट्स नहीं मिलेंगे, वहां पे स्टोरी शेप चलेगी, क्योंकि रिटर्न नोट्स मैंने अब यहां पे आपके लिए ऑलरेडी अरेंज कर दिए. सो जो ऋग्वेद था वो टोटल 10 बुक्स में डिवाइडेड है, जिसे 10 मंडल बोलते हैं. इसमें से क्या है, इट डिस्क्राइब्स लाइफ इन अर्ली वैदिक पीरियड एंड कंटेन्स पोएम्स वर्शिपिंग नेचर डिटीज सच एज सन एंड विंड गॉड्स, राइट? दिस टेल्स अस दैट पीपल इन वैदिक एज रेवर्ड नेचुरल फोर्सेस. तो उनकी रिलीजियस लाइफ का रेफरेंस मिलता है हमें थ्रू वैदिक एज. सामवेद, इसमें 1810 मंत्र है, मोस्टली बोरोड फ्रॉम ऋग्वेद है एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ म्यूजिकल नोटेशंस है. तो इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन सामवेद से हुआ. यजुर्वेद जो है वो हमें सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स की डिटेल्स देता है कि इनको परफॉर्म कैसे किया जाएगा. जो लास्ट अथर्ववेद है इसमें कुछ मंत्र ऐसे दिए गए हैं जिनमें मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स हैं, विच टेल अस अबाउट द पॉपुलर बिलीव्स ऑफ दोस टाइम्स. कि लोग पॉपुलरली क्या क्या जादू टोने कर लेते थे.
जो ऋग्वेद की टोटल 10 बुक हैं, उनमें से जो 2-7 बुक्स थी, सेकंड टू सेवंथ बुक्स, टू सेकंड टू सेवंथ ऑफ द ऋग्वेद संहिता नोन एज फैमिली बुक्स आर कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट, कि सबसे पहले ये बनी, फर्स्ट और टेंथ लास्ट में है, एट नाइन्थ सेकेंड स्टेज में बने, पहले 2-7 फिर 8-9 8th फिर 9th फिर 1 and 10, ये इस तरह बने थे, कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट विद इन द वैदिक कॉर्पस, while the later portion of this Samhita, in addition to all other Vedic texts, is said to belong to later Vedic literature. तो early Vedic में सिर्फ ऋग्वेद आता है, बाकी सारे वेद वगैरह later Vedic में आ जाते हैं. Apart from the dates, there are several other problems in correlating evidence from the Vedas with archaeology. अब वेदों में तो बहुत सी बातें लिख दी गई हैं, पर archaeologically हमें उन सब के evidences तो मिल ही नहीं रहे हैं. तो उस चक्कर में हिस्ट्री को ऑथेंटिकेट करना एक चैलेंज हो गया. हाउएवर दिस लिटरेचर कंपोज्ड प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय ब्राह्मण मेल्स इज अ पिवोटल पार्ट ऑफ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन. तो ब्राह्मण ने लिखा, मेल ने लिखा, तो यहाँ पे एक बायस तो आना ही था, ब्राह्मण मेल का बायस, पर फिर भी ये कोर बन गया हमारे पास ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का, विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली देयर रिलीजियस बिलीव्स बट ऑल्सो देयर वर्ल्ड व्यू along with giving details about life in north and northwest India. तो यहाँ से पता चलता है caste system के बारे में, position of women के बारे में, religious beliefs के बारे में, economic life and occupations के बारे में, और वेदों में जब राजाओं की लड़ाइयों का mention किया जाता है, tribal wars का mention किया जाता है, तो वहां से हमें कुछ कुछ political facts भी मिलते हैं. फिर आते हैं वेदंगास, वेदों के अंग, are supplementary texts to the Vedas. Believed to have been composed between 600 to 200 BCE. अब इसमें क्या-क्या आता है? They contain six schools like meter, chand, phonetics, shiksha, rituals, kalpa, astronomy, jyotisha, grammar, vyakarana and etymology, nirukta. जब वैदिक लिटरेचर वाला टॉपिक डिटेल में पढ़ रहे होंगे उसमें इसकी डिटेल्स करेंगे, आज तो ये सोर्सेज हैं. अब रामायण एंड महाभारत की बात करते हैं और इसके हिस्टोरिकल डिबेट पे चलते हैं, फिर इसके थोड़ी सी वैरायटीज भी देखते हैं. आर टू ग्रेट संस्कृत एपिक्स, दे फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ स्मृति, जो मैंने आपको वहां बताया, एज वेल एज इतिहासास, वो भी वहां पे हमने कर लिया. ऑल्दो रामायण हैज समटाइम्स बीन क्लासिफाइड एज काव्य और पोएट्री, ये बहुत ही पोएटिक वे में लिखी हुई किताब है, तो इसको महाकाव्य भी कहा जाता है, महाकाव्य. One aspect of the text that is evident is that they were aware of each other. रामायण में ये बताया जा रहा है कि महाभारत के characters हैं, और रामायण में ये बताया जा रहा है कि महाभारत में बताया जा रहा है रामायण के characters के बारे में. Otherwise, Hindu mythology के accordingly, चार युग है ना, चार युग कौन कौन से होते हैं Hindu mythology में? सबसे पहले आता है सतयुग, फिर आता है सतयुग के बाद, इसको ना मैं नीचे नहीं लिखूंगा आगे लिखूंगा, उसका कारण भी बताऊंगा. सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग, फिर आता है कल युग, और फिर से आ जाता है सतयुग. तो एक साइक्लिक फॉर्म में चलता है. तो रामायण की स्टोरी, रामा लॉर्ड रामा की स्टोरी त्रेता की है, लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी, यहाँ पे महाभारत आना चाहिए, वो द्वापर की है, और मेरे स्टूडेंट्स की स्टोरी कलयुग की है. जब तुम सब भाग जाओगे तो यहाँ पे मेरी स्टोरी दोबारा लिखेंगे सतयुग में, ठीक है ये बात, क्योंकि मेरा नाम त्रिवेदी है. तो अब प्रॉब्लम पता क्या आती है, दो अलग अलग युग हैं, और एक युग में तो वैसे तो ये 5000 साल बोलते हैं, अगर मैं 100 साल भी मान लूं तो 100 साल पहले के राइटर्स को इनके बारे में एडवांस में पता था, या ये बोल दो कि इनको तो फिर पता ही था ये हिस्ट्री है, पर ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं. वन एस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट दैट इज एविडेंट इज दैट दे वर अवेयर ऑफ ईच अदर एट लीस्ट इन द लेटर स्टेजेस ऑफ कंपोजिशन एंड इमर्ज फ्रॉम अ कॉमन कल्चरल मिल्यू. इन दोनों का ना कल्चरल बैकग्राउंड एक सा दिखता है, राजे एंड फैमिलीज एंड डिस्प्यूट्स एंड एवरीथिंग. रामायण कंटेन्स मेंशंस ऑफ कुरुस, हस्तिनापुर एंड जनमेजय, व्हाइल महाभारत रेफर्स टू वाल्मीकि एंड रामायण विद एन आउटलाइन ऑफ द स्टोरी ऑफ रामा इन अ सेक्शन कॉल्ड रोमपख्याना. राइट, तो महाभारत में रामायण का प्रॉपर एक चैप्टर है.
द कॉम्पोजिशन ऑफ रामायणा इज प्लेस्ड बिटवीन फिफ्थ और फोर्थ सेंचुरी बीसीई एंड द थर्ड सेंचुरी सीई, व्हाइल दैट ऑफ महाभारता बिटवीन 400 बीसीई टू 400 सीई. Although traditions claim that Rama lived in Treta Yuga and Kurukshetra war happened in a later period, the Dwapar Yuga, historians argue that the event described in Mahabharata may have occurred earlier than those in Ramayana. अब ये कैसे है? इसका एक concept समझते हैं कि ये dispute क्यों हो रहा है. दोनों stories जो हैं ये Aryan से related है, Aryans की history से related है. अगर हम ये माने आर्यन सेंट्रल एशिया से आए, पहले वो सप्त सिंधुआ रीजन में यानी कि पंजाब वाले रीजन में बैठे, फिर धीरे धीरे वो गंगेटिक वैली की तरफ गए, फिर थोड़ा थोड़ा वो साउथ की तरफ मूव किए. तो पहले डेक्कन, पहले वो सेंट्रल इंडिया में आए, फिर डेक्कन में गए, फिर शायद कहीं डीप साउथ में भी चले गए होगा ब्राह्मणिक जो आर्यन सिविलाइजेशन का कल्चर था. अब महाभारत की स्टोरी इतने एरिया में खत्म हो जाती है, वो ना तो गंगा वैली की तरफ जा रही है पूरी तरह, ना वो सेंट्रल इंडिया की तरफ, वो पूरी स्टोरी हस्तिनापुर, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इस तरफ घूमती है, राइट. महाभारत की स्टोरी तो इतने रीजन में खत्म हो गई, और भगवान श्री राम की स्टोरी शुरू इधर से होती है, अयोध्या से, गंगा वैली की तरफ से. फिर वो मध्य प्रदेश में जाते हैं, जब वो चित्रकूट पहुंच जाते हैं, फिर वो डेक्कन में पहुंच जाते हैं, फिर वो साउथ इंडिया में जाके वे रामायण की लास्ट लड़ाई जो है लंका की लड़ाई लड़ते हैं, और फिर वो वापिस आते हैं. तो अगर आर्यंस पहले आए, पहले वो इस एरिया में सेटल हुए, उन्होंने यहाँ पे पूरी अपनी जो डिस्प्यूट्स थे, जो लैंड को लेके थे, फैमिली फ्यूड्स थे, वो खत्म किए होंगे, फिर वो आगे मूव किए, फिर वो साउथ की तरफ मूव किए. तो लॉजिकली महाभारत पहले और रामायण बाद में होनी चाहिए एज अ हिस्टोरिकल फैक्ट, राइट. Although traditions claim that Rama lived in Treta Yuga and Kurukshetra war happened in a later period, Dwapara Yuga, historians argue that the event described in Mahabharata may have occurred earlier than those in Ramayana. For one, the setting of Mahabharata is in Indo-Gangetic divide and upper Ganga Valley, while the Ramayana events take place eastwards in the middle Ganga Valley. Secondly, the strong women characters in Mahabharata also suggest a prior stage of social development when women were less subordinated to men. राइट इस टाइम पे तो औरतों को लेस सबॉर्डिनेशन में रखा गया, रामायण में ज्यादा सबॉर्डिनेशन दिखाई गई है. सेकेंडली द स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स इन महाभारता आल्सो सजेस्ट अ प्रायर स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट व्हेन वुमेन वर लेस सबॉर्डिनेटेड टू मेन. रामायण का कॉन्सेप्ट है वन वाइफ, और महाभारता में तो पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री, मल्टीपल वाइफ मल्टीपल हस्बैंड्स की बात कर रहे हैं, जो पुराने टाइम की स्टोरी होनी चाहिए. दीज एपिक्स कंटेन मैग्निफिसेंट स्टोरीज विच हैव इन्फ्लुएंस्ड थॉट प्रोसेसेस and even moral values since centuries. इनमें हमें ज्यादा moral values मिलती हैं. However, using them as historical source require historian to identify internal chronological layers. पहले तो यही पता चले, जैसे रामायण में भगवान श्री राम के कितने सारे ancestors के नाम बताए गए हैं, अब उनको एक बार historically authenticate करने के बाद as source of history use किया जा सकता है. जैसे चंद्रवंशी, सूर्यवंशी बारे में हमें बहुत information मिलती है. The texts represent models of family units, marriage, occupation, heredity, kingship and social mobility. सारी की सारी हमें society की important informations मिलती हैं, but it is necessary to not consider these models as norm followed by all in the respective period. ऐसा नहीं था कि सारी की सारी society इस model पे चलती थी, ये एक ideal model बताया गया था कि लोगों को ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए. Right? At best, they were aspirations or maybe even more fantasies. कि ऐसा होना चाहिए. महाभारता दो contains large sections laying down norms of behavior for various social groups, including commentary on caste. The Sanskrit in used in Mahabharata is far simpler than that used in Vedas. Right? So, वेदों की संस्कृत और महाभारत की संस्कृत में difference है. That means originally एक specific language of संस्कृत थी, महाभारत के time पे दूसरी आ गई, और रामायण के टाइम पे और सिंपल वर्जन आ गया. एज सच इट वॉज प्रोबेबली वाइडली अंडरस्टूड. अब इससे क्या पता चलता है कि कॉमन मासिस के लिए संस्कृत समझना मुश्किल था, इसलिए जो इतिहास पुराना लिखवाए गए वो सिंपल लैंग्वेजेस में लिखवाए गए, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन रिलेट विद देम मोर पॉपुलरली. वेयर एज वेद संस्कृत में लिखे गए एक ऐसी लैंग्वेज जो एलीट की है, ताकि वो इसको अपने एक्सक्लूसिव डोमेन में रखें और इसमें सारी की सारे सीक्रेट्स जो हैं वो क्लेम करें
कि रिलीजियस लाइफ के हो या कुछ भी हो, वो हमारे पास है प्रिजर्व. रामायणा 2 वॉज अ पॉपुलर टेक्स्ट, अ फैक्ट दैट इज एविडेंस्ड बाय इट्स न्यूमरस रीटेलिंग्स अपार्ट फ्रॉम वाल्मीकि रामायणा सच एज रामचरितमानस जो 12th सेंचुरी में लिखी गई है, और तमिल वर्जन है, जैन वर्जन है जिसको पोमचुराई, एंड अ बुद्धिस्ट वर्जन भी है. जातकार में दशरथ जातक एंड ऑल वो सारा मेंशन आते हैं. देयर आर आल्सो मेनी ओरल वर्जंस विद द लेजेंड ऑफ रामा enjoying great popularity in other parts of Asia such as Tibet, Myanmar, Laos, Cambodia and Indonesia. और अगर हम अयोध्या की excavations करें, जाके देखें, at the site of Ayodhya have indicated the existence of settlement here from Northern Black Polishware face जो कि 700 BCE तक जाती है, और अब तो प्रभु राम का मंदिर भी बनवा रहे हैं. Excavations at places mentioned in Mahabharata have given evidence of pottery called PGW, painted graveware. अच्छा, अब जो PGW पोटरी और NBPW है, इसमें क्या है, PGW पहले आई है राइट हिस्टोरिकली, NBPW बाद में आई है. तो महाभारत वाले रीजन में हमें PGW मिलती है 1000 BCE वाली, और अयोध्या वाले रीजन में हमें NBPW मिलती है 700 BCE वाली. तो हिस्टोरिकली तो फिर महाभारत पहले और रामायण बाद में होती है. द नेचर ऑफ द रिमेन्स एट दीज साइट सजेस्ट दैट द पीपल हु लिव्ड हियर shared a pastoral cum agricultural lifestyle. Archaeology cannot prove or disprove the event described in the epics. कि ना यहाँ पर लड़ाई हुई है या यहाँ पर ऐसा कुछ इवेंट्स हुए हैं, उसके लिए आर्कोलॉजी बहुत हेल्प तो नहीं करती है, बट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द लिटररी एंड द आर्कोलॉजिकल एविडेंसेज. अब जहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, वहाँ पे आर्कोलॉजिकली हमें एज सच, अब ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. महाभारत की जितनी बड़ी लड़ाई बताई गई है, इस एरिया में एक्सकवेशन करते करते आपको उतनी ज्यादा लार्ज स्केल वॉर के बाद की जो डेथ्स होती हैं, डिवेस्टेशन जो होती है, उसके एविडेंस आर्कोलॉजिकली तो नहीं मिले. ठीक है, दीज टेक्स्ट कैन बी रेड एज अ रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि समाज में ना एक लड़ाई का माहौल बन रहा है, या फीमेल को लेके इशू बन रहे हैं, उनकी मॉडेस्टी को लेके, या फिर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं, उनको आइडियलाइज करते हुए लोगों को लेसन लर्न कराने के लिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ उस टाइम पे लिखे गए, ताकि एक स्टैंडर्ड सेट किया जा सके. दे मे हैव बीन रिटन बाय ब्राह्मणास एज रिएक्शन टू द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड द राइज ऑफ डायनेस्टीज विच सपोर्टेड देम. कि फिर जो महान राजे हुए हैं, उन्होंने तो हिंदू गॉड्स की ही वर्शिप की है, और वही मेन गॉड्स हैं जो इस पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं, जो खुद जब जब पाप बढ़ता है अवतार लेके धरती पे उतर आते हैं. तो ये ऐसे ब्राह्मणों ने एक बुद्धिज्म जैनिज्म के अगेंस्ट रिएक्शन करते हुए भी ये स्टोरीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया. इट इज आल्सो पॉसिबल दैट द रूलर्स सच एज द कुरुज एंड पंचालास मेंशन्ड इन द एपिक्स मे हैव पैटर्नाइज्ड टेक्स्ट रिवॉल्विंग अराउंड देम विद द फॉर्मेशन ऑफ अर्ली स्टेट्स इन गंजेटिक वैली. जब ये जनपदास महाजनपदास का राइज हो रहा था, उस टाइम पे जो ये रूलर्स थे कुरुज एंड पंचालास, उन्होंने अपने एंसेस्टर्स को ग्लोरीफाई कराते हुए ऐसे बड़े बड़े जो एपिक्स हैं वो कंपोज करवाए होंगे. अब बात आती है पुराणास की. बिफोर वी एंटर इनटू द डोमेन ऑफ पुराणास, नाउ आई अगेन गिव यू अ विंडो टू आस्क योर डाउट्स, अगर अभी तक माइंड में कुछ आया. Nobody having any doubt. तुम मुझे ऐसा एक्सप्रेशन मत दो यार कि पिछले वाले स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट, अगले वाले स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट. एक सेकंड होल्ड करो आप लोग जरा, एक सेकंड वेट करना.
प्रखर रोट ऑल ओके सर, तो कोई डाउट नहीं है, तो आगे मूव करते हैं, पुरानों को पढ़ते हैं। तो अगर ऐसे आप डाउट नहीं लोगे तो मुझे लग रहा है ये टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। हेलो दोस्तों, चाय पी लो। पुराणस आर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन। 18 महापुराण हैं एंड मैनी सेकेंडरी पुराणस हैं, जिन्हें उप पुराणस भी कहते हैं। चलो अच्छा है, अभी हम इनके बारे में ऑप्शन में ज्यादा पढ़ते नहीं है, बट एज सच इम्पॉर्टेंट हैं ये भी थोड़े। द ओरिजिन ऑफ पुराणस मे हैव ओवरलैप टू सम एक्सटेंट विद वेदास, कि वेद भी लिखे जा रहे हैं और साथ में पुराणस लिखे जा रहे हैं, बट देयर कॉम्पोजिशन स्ट्रेच फॉरवर्ड इन टू 4th-5th सेंचुरीज एंड इन सम केसेज इवन लेटर। स्टार्ट में भी स्टार्ट एक साथ हो गए हो, कुछ टाइम ऐसा भी आया हो कि वेद भी कंपोज हो रहे हैं और पुराणस भी, लेकिन वेद कंप्लीट हो गए और पुराणस उसके बाद बहुत समय तक कंटिन्यू किए। इट इज ट्रेडिशनली बिलीव्ड दैट पुराणस वर कंपोज बाय व्यास, एक राइटर को कहा जाता है, हु लिव्ड इन एन एज बिफोर द अकरेंस ऑफ मेनी ऑफ द इवेंट डिस्क्राइब्ड, विच आर रिटन इन अ स्टाइल ऑफ प्रोफेसीज, कि उन्होंने बताया कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो बड़े फ्यूचरिस्टिक वे में लिखे हुए पुराणस है। लेकिन हिस्टोरियंस को क्या लगता है, हिस्टोरियंस हैव फाउंड दैट द कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ पुराणस आर टू हेटरोजेनस टू हैव बीन कंपोज्ड बाय वन ऑथर और इवन इन वन एज। तो ये बहुत टाइम तक लिखे जाते रहे, अलग अलग जनरेशन ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखा है पुराणों को। द पुराणस हैव फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स और लक्षण, द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग दुनिया कैसे बनी, रिक्रिएशन प्रतिसर्गा फिर दोबारा कैसे बनी जब डिस्ट्रक्शन हुई, द पीरियड्स ऑफ द वेरियस मनुस जिन्होंने सृष्टि स्टार्ट की, मनवतरास, द जेनोलॉजीज ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज, कौन कौन से भगवान कहाँ कहाँ से आए, कैसे आए, ऋषि मुनि कहाँ से आए, वंशा एंड एन अकाउंट ऑफ रॉयल डायनेस्टीज, वंश चरित्र, वंश कौन कौन से थे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के, जो कि सन और मून से ट्रेस किए जाते हैं। जो कॉन्सेप्शन ऑफ टाइम इन पुराना है वो साइक्लिक है, साइक्लिक मींस ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ फिर ये आ गया, राइट right? तो साइकिल में चलते हैं। अब वेस्ट के साथ ना हिस्ट्री के बारे में जो इंडिया में डिस्प्यूट है, अगर तुम में से कभी किसी का दिल किया जिंदगी में रोमिला थापर मैम की बुक पढ़ने का, उसमें वो ये कॉन्सेप्ट भी समझाती है, राइट right? वेस्ट कहता है हिस्ट्री लीनियर इक्वेशन की तरह, एंशियंट मिडिवियल मॉडर्न कंटेम्परेरी, इंडिया बोलता है हिस्ट्री साइक्लिक है, कलयुग आया, कलयुग से पहले बाद में अब दोबारा सतयुग आएगा, दुनिया यहीं से शुरू हुई थी, सतयुग के बाद फिर से त्रेता आएगा, फिर से द्वापर आएगा, फिर से कल आएगा, साइक्लिक चलता ही जाएगा, राइट साइक्लिक है। देयर आर फोर एजेस और युगास, कृता त्रेता द्वापर एंड काली, ऑल स्पेनिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, वन युगा फॉलोज द अदर, द वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड, विष्णु रेस्क्यूज एंड रेमनेंट्स एंड द वर्ल्ड इज रिक्रिएटेड, हर बार भगवान विष्णु आएंगे, यदा यदा हे धर्म से, राइट। दिस साइकिल ऑफ टाइम इज कनेक्टेड विद द साइक्लिक डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ धर्म, जब जब धर्म की क्षति होगी भगवान अवतार लेंगे, ये पुराणों में स्टोरी बताई गई है। फिर किसी का हाथ खड़ा हो गया है, शोभित बताओ भैया। हाँ जी शोभित बोलो, शोभित तू भाई टाइप कर, तेरी आवाज नहीं आ रही, तेरा माइक खराब लग रहा है मुझे। सर जो आपने लिखा ना 53216EE, सर इसका आंसर अभी आपको मिलेगा, जब हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे तो इसका आंसर मिलेगा। शोभित तुम टाइप करो भाई जल्दी से, हम रुके हुए हैं तुम्हारी वेट में। शोभित फिर मैं आगे पढ़ा लूं भाई, अगर तुमने टाइप भी नहीं करना तो चलो पढ़ो फिर। Similarly, the Puranic myths contain stories of encounters and interactions between demons, rakshasas, asuras, gods, devas, and sages, rishis, which have been interpreted as allegorical representations of interaction among people belonging to different cultures. अब ना मैं तुम लोगों को एक स्टोरी शाइप में कुछ समझाऊंगा, तो जो हिंदू धर्म में मेरी तरह अच्छा विश्वास रखते हैं
वो बुरा नहीं मानेंगे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, राइट। एक स्टोरी समझते हैं, आर्यन आए, ठीक है, बोर्ड अगर तुम्हें कम दिख रहा तो ज्यादा दिखा देते हैं पहले। आर्यन आए और आर्यन ने आके खुद को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेटल किया, थोड़े फेयर कलर के थे और थोड़े अपने आप को सुपीरियर मानते थे, इनके पास हॉर्सेस भी थे और ये वॉरियर्स भी बन के आए हैं, तो अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं, इनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, वो अपनी लैंग्वेज को भी बड़ा डिफरेंटली प्राइड फील करते हैं अपनी लैंग्वेज में। अब ये आर्यन पहले सब सिंधु सरस्वती और इंडस वाले रीजन में सेटल हुए और फिर यहाँ से ये गंजेटिक वैली में निकल गए और फिर यहाँ से अगर हम स्टोरी शुरू करें रामायण वाली तो उसको समझना। सर थोड़ा बड़ा कर दीजिए, क्या बोर्ड पे लिखना के स्लाइड, स्लाइड तो बंद हुई है, बोर्ड पे बड़ा लिखूं। ओके, आर्यंस ने खुद को आके पहले तो सप्त सिंधु रीजन में यानी कि सरस्वती और इंडस के जो फाइव ट्रिब्यूटरीज हैं, सेवन रिवर्स लैंड जो था वहां पे सेटल किया, फिर ये गंगा वैली की तरफ चले गए। आर्यंस फेयर कलर के थे, डिफरेंट लैंग्वेज में प्राइड फील करते थे, वॉरियर्स थे जिनके पास हॉर्सेस भी थे, तो बड़ा डिफरेंट था इनका एक कल्चर, बड़ा सुपीरियर कल्चर बना लिया। अब जब ये आर्यंस यहाँ से थोड़ा नीचे उतरे मध्य प्रदेश वाले रीजन में आए तो वहां के ट्राइबल्स के कॉन्टेक्ट में आए, राइट, जो थोड़े डिफरेंट हैं, उन लोगों साथ थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, जैसे ना भील्स जहां से निकलो वहां पे लड़ाई नहीं होती है, उनको तो इन्होंने अपने साथ डिफरेंट कर लिया। भगवान श्री राम का भील नरेश के साथ फ्रेंडली, निषाद के साथ जो था भील नरेश निषाद, उनसे फ्रेंडशिप, और फिर आगे जो वो वन में पहुंचते हैं वहां जाके असुर के साथ लड़ाई झगड़े, मीन्स जो वहां के कुछ लोकल लोग रहे होंगे पहले से उनके साथ लड़ाई कि अब ये एरिया में आर्यन कल्चर का पेनिट्रेशन होगा। फिर यहाँ से डेक्कन की तरफ का मूवमेंट, तो जहां जहां वो आगे जाते गए उतना ही ग्रेड ऑफ असुर डेमोन्स बनते चले गए कि हम फेयर स्किन्ड हैं, हम बेटर दिखते वाले हैं, हम ज्यादा अच्छे वॉरियर्स हैं, हमारे पास ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं। तो ये ना डिफरेंट कल्चर्स की लड़ाई थी जिसमें माइथोलॉजी करी आपने रिलीजन का एलिमेंट भी डाल दिया। और वैसे भी एक पुरानी कहावत है, हिस्ट्री तो हमेशा जीतने वाला इंसान लिखता है, तो फिर आर्यन अगर जीते थे तो उन्होंने हिस्ट्री भी अपने हिसाब की लिख दी, राइट। किसी को अगर रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट कर दिए हो मैंने तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, और अगर किसी को मेरे पे गुस्सा आ रहा हो तो उसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं आता, हिस्ट्री समझानी है मेरे को, डन। प्रखर कह रहा है सर आप हिंदू धर्म के मान्यताओं के खिलाफ बोलोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सॉरी प्रखर। ऑल राइट, अच्छा अब आगे पढ़ें। द पुराणास प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन एंशियंट पॉलिटिकल हिस्ट्री, दे कंटेन जिनोलॉजीज, राजाओं के पिताओं के दादाओं के परदादाओं के नाम बताए हैं। ऑल्दो द अर्लीएस्ट पार्ट्स ऑफ दीज जिनोलॉजीज आर आइदर एंटायरली और पार्टली मिथिकल, द लेटर जिनोलॉजीज ऑफ द किंग्स ऑफ द काली एज हैव हिस्टोरिकल मटीरियल। तो कुछ पुरानी, बहुत पुरानी जो बातें बताई गई हैं उनके हमारे पास रिटन एविडेंसेस नहीं है, लेकिन कुछ जो फिर कंटेम्परेरी बातों पे आ गए वहां से इनकी हिस्टोरिकल रेलिवेंस शुरू हो गई। तो आई होप जिसने ऊपर क्वेश्चन पूछा था जिसका नाम मुझे नहीं पता, आज नाम तो बता ही दो लिख के नीचे ना, ये 3i316d नहीं, इसने नहीं, 52532016EEE, कौन है ये, नाम बताओ। मोहिनी, ओके बच्चे, तो तुम्हें पता चल गया ना अब इसका रेलिवेंस कैसे बन जाता है। द पुराणास ऑल्सो हैव अकाउंट्स ऑफ माउंटेन्स रिवर्स एंड प्लेसेस, वो बता रहे हैं कि हम यहाँ से निकले भील्स को मिले, फिर हम कैसे आगे गए श्रीलंका की तरफ, ब्ला 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 पूरी स्टोरी। तो उससे हमें विच कैन बी यूज टू स्टडी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एक तो ये पता चल गया। देन नेक्स्ट इज दे हैव अ सिग्निफिकेंट फंक्शन द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन एज दे कैरी सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज, तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम्स को टेस्टिफाई करते हैं
they reflect the emergence of religious cults to gods such as Vishnu and Shiva and goddesses such as Shakti, as well as interaction of Brahminical and non-Brahminical cultural traditions and the emergence and development of Hindu religious practices. तो इन सब का जो ओरिजिन है हमारे गॉड्स का, कल्ट्स का, और जो इनकी रेलिवेंस है, जो इनकी सिग्निफिकेंस है, वो सब हमें समझ आती है फ्रॉम दीज सोर्सेस. अच्छा हाँ, अब एक बार करता रहूं कंटिन्यू ना, अभी थक तो नहीं गए होगे? शुरू शुरू में कई बार बच्चों को रहता ज्यादा हो गया. शैल आई कंटिन्यू? All right, great, thank you. अब आती है बात धर्मशास्त्रास की. ये क्या है? आर अ ग्रुप ऑफ संस्कृत टेक्स्ट डीलिंग स्पेसिफिकली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म और प्रॉपर आइडियल कंडक्ट सोसाइटी में, सोशली, इकोनॉमिकली, मॉरली कंडक्ट कैसे करना है. इट वॉज बिलीव दैट दिस अडेरेंस टू दिस कंडक्ट वुड लीड टू फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स इन ह्यूमन लाइफ, नेमली धर्म, राइटियस कंडक्ट, सही ढंग से काम करना, अर्था material well-being, kama, sensual pleasures, and ultimately moksha, deliverance from the cycle of rebirth. अगर आप धर्म की राह पे चलोगे, means आप ethical रहोगे, material well-being में मतलब अर्थ के पीछे ज्यादा नहीं, materialistic ज्यादा नहीं बनोगे, basic needs पूरी कर लोगे, sexual जो आपके अंदर desires होती हैं, sensual pleasures and sexual desires, kama, अगर उन्हें control कर लोगे तो अल्टीमेटली तुम्हें मोक्ष मिलेगा. पेपर फोर एथिक्स जीएस, जितना ज्यादा इंडियनाइज्ड करोगे हिस्टोरिकली और जितने ज्यादा रीसेंट एग्जांपल्स दोगे डे टू डे लाइफ के, केस स्टडीज हो गए या फिलोसफर्स की बातें होगी, जितने ज्यादा इंडियन आइडियाज दोगे उतना बढ़िया. तो इंडिया में एथिक्स की कितनी रेलिवेंस बताई गई है कि लाइफ में एथिकल रहोगे, मटीरियलिस्टिक कम बनोगे, सेंशुअस प्लेजर्स के पीछे कम भागोगे, सेंशुअल प्लेजर्स के पीछे, और तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी. तो जब मैं एक बड़ा अफसर भी बन जाऊं तो मुझे एथिकली काम करना है, ज्यादा पैसे कमाने के पीछे नहीं भागना, ज्यादा सेंशुअल प्लेजर्स के पीछे नहीं भागना. तो मोक्षा का मतलब कि मेरी प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ जॉब से रिटायरमेंट होगी, लोग उसके बाद भी मेरी रिस्पेक्ट करते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, बीच में ही पकड़ा जाऊंगा, बेइज्जती अलग होगी, जॉब भी जाएगी, राइट. यस, कायनात फातिमा, शक्ति कल्ट का थोड़ा ओरिजिन शैविज्म के साथ है, राइट. एंड यस, संस्कृत के कोर्स आप डाल सकते हो, लेकिन संस्कृत में नहीं लिखने, इंग्लिश में लिखने हैं. ऑल राइट, द टेक्स्ट वर्ड सब डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स. धर्मसूत्रास जो कि 600 टू 300 बीसी में हुए, स्मृतिस जैसे कि मनु स्मृति एंड अदर स्मृतिस 200 बीसी टू 900 सीई में, एंड कॉमेंट्रीज जिन्हें टीकास या भाष्यास कह देते हैं, जैसे कि निबंधास हैं या कलेक्शंस विद कमेंट्स एंड कंक्लूजंस है, कंपेंडिया ऑफ व्यूज फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट है, जो कि 9th टू 19th सेंचुरी के बीच में तैयार हुए. जो धर्म सूत्रास आर पार्ट ऑफ वेदंगा लिटरेचर एज वेल एज धर्म शास्त्र कॉर्पस. ये धर्म सूत्रास वेदंगा में भी आते हैं और धर्म शास्त्र में भी आते हैं. सूत्रा लिटरली मीन्स थ्रेड and it refers to a style in which ideas are expressed in very short condensed statements. सूत्रों में धीरे धीरे आपको छोटी-छोटी बातों के थ्रू समझाया जाता है. The धर्म शास्त्र recognize three sources of dharma. धर्म की तीन sources हैं, श्रुति, वेद, स्मृति जितना टेक्स्ट है, एंड सदाचार, गुड कंडक्ट. देखो एथिक्स के पेपर के लिए आज तुम्हारे पास कितना कुछ इंडियनाइज्ड आ गया. A person's ideal conduct depends on various things such as gender, age, varna and ashram. अब ना इसमें क्या है, आश्रम से समझ लेते हैं. आपका पहले कौन सा आश्रम आता है? सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम. बच्चा है, पढ़ता है, स्टूडेंट है, सेलिब्रेट लाइफ लीड करेगा, सेंशुअल प्लेजर, सेक्सुअल डिजायर्स उसमें नहीं होनी चाहिए, मटीरियलिस्टिक गेन्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना उसका एकमात्र उद्देश्य हो लाइफ का. फिर वो उसके बाद किसमें आता है, गृहस्थ आश्रम में. अब सेंशुअल प्लेजर्स भी होंगे, थोड़ी सी मटेरियलिज्म की बात भी होगी, क्योंकि बीवी बच्चों को पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, इसीलिए आजकल मैं फीस ले लेता हूँ, पहले मैं पढ़ता होता था. फिर आता है वानप्रस्थ, धीरे धीरे अपने आप को सिक्लूड करना है, डिजायर्स को कम करना है. फिर संन्यास, सब त्याग जाना है.
तो हर आश्रम में 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 and above आपको आश्रम के अकॉर्डिंगली अपने एथिक्स को मैनेज करना है, राइट? ऐसे जेंडर्स के डिफरेंट एथिक्स होंगे, डिफरेंट एज के, डिफरेंट वर्नास के, ब्राह्मण के एथिक अलग हैं, क्षत्रिय के अलग हैं, ये सब इसमें बताया है। द वर्नास वर द फोर कैटेगरीज दैट द शास्त्रास डिवाइडेड सोसाइटी इनटू, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। फिर आश्रम सिस्टम डिवाइडेड द लाइफ ऑफ अ नॉन शूद्र मेल, तब आश्रम शूद्रों के लिए है ही नहीं और सिर्फ मेल्स के लिए है, राइट? दैट मीन्स इसका ना मतलब समझना भी, आश्रम सिस्टम डिवाइडेड द लाइफ ऑफ अ नॉन शूद्र मेल इनटू फोर स्टेजेस, सेलिबेट स्टूडेंटहुड ब्रह्मचारी, देन हाउस होल्डर गृहस्थ, पार्शियल रिनन्सिएशन वानप्रस्था एंड कंप्लीट रिनन्सिएशन संन्यास। अगर तुम शूद्र मेल हो तो तुमने कभी पढ़ना ही नहीं है, तो तुम्हें पहला वाला तो स्टूडेंटहुड वाला ब्रह्मचारी वाला तो मिला ही नहीं। अगर फीमेल है तो बच्चियों ने पढ़ना ही नहीं, गर्ल्स ने, और उनकी तो जल्दी मैरिज हो जानी है, तो उनके लिए भी ये नहीं है क्योंकि चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए बनाया गया, वो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। बाकी कुछ हिस्टोरियंस जो हमने आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ना है, थोड़ा रेफरेंस दे देता हूँ, वो कहते हैं यार ओरिजिनली जब ये आश्रम सिस्टम आए थे ना कि चार आश्रम है कि आप या तो ब्रह्मचार्य का पालन कर लो या आप क्या करो, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करना तो आप अब गृहस्थाश्रम में ही अपनी लाइफ को पूरा लीड कर लो, या आप वानप्रस्थ कर लो कि थोड़ा सा मटेरियलिज्म, थोड़ा सा रिनन्सिएशन, या आप संन्यास कर लो। ये ना चार डिफरेंट ऑप्शन सबके पास थे। जैसे कि गौतम बुद्ध जो हैं, उन्होंने छोटी एज में, या महावीर जैन ने छोटी एज में संन्यास ले लिया। उन्होंने बोला कि ये ना सक्सीडिंग स्टेजेस नहीं है, कि कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है कि पहले ये होगी फिर ये फिर ये फिर ये, हमारे पास चारों हैं, हम किसी को भी चूज कर लें। तो उन्होंने सीधा संन्यास को ऑप्ट कर दिया। फिर ब्राह्मणों को लगा भाई ऐसे तो सब लोग सन्यासी ना बन जाए, हमारा पूरा जो सिस्टम बना है सोसाइटी का वो तो कोलैप्स कर जाएगा, शादियां नहीं होंगी, बच्चे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने इनको फिर सक्सीडिंग बना दिया स्टेप्स की, पहले ये होगा फिर ये होगा, प्रिस्क्राइब कर दिया। अभी भी मेरी मर्जी है, मेरे को परिवार में रहना है कि मेरे को अभी सन्यास लेना है। दिस हाउएवर वॉज एन आइडियल स्कीम एंड इट शुड नॉट बी बिलीव दैट ऑल फॉलोड इट। In fact, it was not applicable even as an ideal to Shudra male and women, Shudra males and women of all categories. Apart from prescribing ideal behavior, the Dharmashastras laid down laws, personal, civil and criminal. However, these laws were not binding and we do not know to what extent they were applied in early times. In fact, the Shastras themselves contain internal contradictions, revealing the tension between theory and practice in Brahminical tradition. अब इसको एक्सप्लेन करके आज का लेक्चर करेंगे खत्म। बुद्धिस्ट, जैन और तमिल लिटरेचर कल खत्म करेंगे। We will not rush with this. इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देके इसको पूरा खत्म करते हैं। अच्छा देखो लास्ट में अब क्या है, दिस हाउएवर वाज एन आइडियल स्कीम, कि ऐसा हो जाए कि पहले आदमी सिर्फ पढ़े और वो कोई डिजायर ही ना रखे पढ़ने के अलावा, फिर वो परिवार में रहे और अपने आप को एथिकली यहाँ भी अपराइट रखे, फिर धीरे धीरे वो सब चीजों का त्याग करना शुरू करे, उसके सारे शौक पूरे हो जाए और फिर एक दिन वो संन्यास ले। बड़ा ही आइडलाइज, बड़ा ही ये एक यूटोपिया है, ठीक है? आइडियल स्कीम एंड इट शुड नॉट बी बिलीव दैट ऑल फॉलोड इट, इनफैक्ट इट वॉज नॉट एप्लीकेबल। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य मेल है सिर्फ, वो इसको फॉलो कर रहे हैं ना, शूद्र मेल को तो करा नहीं दे और विमेन को नहीं करा रहे। Apart from prescribing ideal behaviors, the Dharma Shastras laid down personal, civil and criminal law. अब इसमें ना कहीं दिखा होता था झूठ बोला तो जुबान काट देंगे, चोरी की तो हाथ काट देंगे, ऐसे ऐसे punishments दिए हैं। However, these laws were not binding and we do not know to what extent they were applied in early times. क्या ये वाक्य में होते भी थे जो लिखे हुए हैं कि नहीं, एक तो इस पे डाउट हो गया। In fact, the Shastras themselves contain internal contradictions, revealing the tension between theory and practice in Brahminical tradition. कि एक तरफ तो लिखा हुआ है women नहीं पढ़ेंगी और एक तरफ पढ़ी लिखी women के references दिए हैं और उनकी respect है कि अगर वो पढ़ी है तो उसकी respect होगी, right? तो ये contradiction जो है ये theory और practice को confuse कर देते हैं। So this is it. अब आप लोग अपने doubts ले सकते हो, अपना experience share कर सकते हो, और शोभित को तो टाइप ही करना पड़ेगा। है किसी के माइंड में कोई डाउट?
सो नाइदर डाउट प्रखर इज टाइपिंग हाउ अबाउट अदर्स और यू वॉन्ट मी टू गिव यू द माइक्स अभय कुमार कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर माइक गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग आ रहा है समझ यस सर बिल्कुल सर बहुत बढ़िया नो सर बिल्कुल भी नहीं सर वो ना ये था मैंने ना मनप्रीत मैम को कॉल करी थी वो मतलब मैसेज कर रहे थे सर रिगार्डिंग इसमें ग्रुप में ऐड करने के लिए सर मैं स्टूडेंट हूं ना 3 ईयर बैच का आपके अच्छा तो आपको भी हिस्ट्री में ऐड नहीं किया उन्होंने नहीं सर मैंने कहा मैम को तो मैम कह रहे कि शाम को कॉल करूंगी मैम का अभी तक रिप्लाई नहीं आया सर उसके बाद अच्छा मैं ना इस टाइम पे मैडम को सर को किसी को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पीसीएस बैच जब से हमने अनाउंस किया है विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम पागल हो गए हैं ओके सर एक आधा दिन दे दो सब मैं सेट करवा दूंगा ठीक है कोई बात नहीं सर बस सर लिंक भी आया ना थोड़ा लेट आया तो मैम को एक बार कह देना टाइमली लिंक भेज दो तुम मुझे मैसेज करो मैं तुम्हें अभी मैम को बोल के ऐड करवाता हूं जरा मुझे मैसेज करो ठीक है ओके सर थैंक यू ओके जी चलो पहले हम जरा एक बार पढ़ लें सर आई हैव डाउट फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज इन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक 3 मेंशन दैट द फील्ड हैड टू सेट ऑफ फर्रोस राइट एंगल टू ईच अदर सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर प्लीज एक्सप्लेन दिस लाइन विद डायग्राम ओए अभी इंडस वैली पे आना तो दे मुझे यार गैलेक्सी गैलेक्सी कौन शोभित है नहीं शोभित तो शोभित ही है गैलेक्सी कौन है गैलेक्सी कौन हो अच्छा जी शफी कह रही है लास्ट लाइन फिर से बता दो बेटा मैंने लास्ट में ये बताया था कि ये ना एक बड़े आइडियल सी बातें बताई हुई है यूटोपियन सी ये प्रैक्टिकली होती भी थी कि नहीं इस पे बड़ा डाउट है ये समझाया था उस लाइन को एक बार पढ़ो तुम्हें समझ आएगा यार बता दो गैलेक्सी कौन हो तुम गौरव ओके गौरव तो गौरव ये तो जब इंडस वैली आएगी उसमें करा दूंगा और ये मोहिनी है ना नहीं मोहिनी नहीं है ये कौन है 316D2E53 तब तो मुझे तुम्हारे नाम नहीं बताऊंगे मैं बात ही क्या करूंगा नाम बताओ सर व्हाट वाज उपनन्या इन रेफरेंस टू फीमेल एजुकेशन Was it followed during early Vedic times? ये भी वैदिक एज के क्वेश्चन है अगले लेक्चर में लूंगा अभी नहीं लेंगे और ये किसने कहा था कलयुग खत्म होने वाला कि नहीं आहा ब्रह्म अस्मि अहम ब्रह्म अस्मि ये गाय टुंडे कौन है बता दो 316D2E53 Who is this गाय टुंडे ऑफ माई क्लास So we did the early Indian history tradition as reflects itihasa purana core. What are the distinct features of this genre? Sir, thoda reference de do. Beta, aaj sara hi de diya. Thoda kya diya? Aaj to maine bahut sara diya. Shivani, mic on hai tumhare liye. Bolo. Shobhi, tab to maine pura hi example de diya. Isko jo main tumhe note abhi group mein share karunga, isko padhna. Then I hope you will get the idea. Bolo, Shivani. Mic on karo, beta. Shivani Yadav. Shivani Yadav, you have to switch on your mic now. Bhag gayi Shivani. हाँ जी, बोलो कायनाथ. सर आपने अश्वमेध यज्ञ का एक एग्जांपल दिया था न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज में जो मिलता है सर वो एग्जांपल सर ने भूल गए. बेटा मैंने एग्जांपल ये दिया था कि जो चंद्रगुप्त 2 था ना सॉरी समुद्रगुप्ता का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें लिखा हुआ है कि उसने लड़ाइयां तो बहुत लगी है लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध सैक्रिफाइस का रेफरेंस नहीं है बट फिर वो उसके क्वाइंस हैं जिस पे वो हॉर्स सैक्रिफाइस करता हुआ डिपिक्ट किया गया ओके सर थैंक यू ऑलराइट सो दिस इज इट एवरीवन टेक केयर कल मिलेंगे सुबह सेम टाइम 10:10 पे मिलेंगे ताकि एक क्लास खत्म होती है दूसरी शुरू होती है उसमें 2-4 मिनट का टाइम लग जाता है तो 10:10 पे क्लास शुरू करूंगा मैं पर 10:10 मींस 10:10 राइट बाय बाय प्रखर प्रखर अगर है तो एक बार प्रखर से भी बात कर लूं प्रखर और पल्लवी तुमसे भी बात करनी है प्रखर माइक ऑन जी सर
प्रखर इसमें भी चेंज हो गया पिछली बार से बहुत कुछ सर, ये सब तो पिछली बार कुछ पढ़ा नहीं था, रामायण महाभारत और पुराण में काफी डिटेल में पढ़ाया आपने, क्योंकि सर सही भी है लॉकडाउन में रामायण महाभारत आई थी, पता नहीं इस बार यूपीएससी पूछ ले इस पे क्वेश्चन, इसीलिए पढ़ाई है। सही किया सर, ठीक है सर, बढ़िया ठीक है जी, ओके नमस्ते सर जी। ऑलराइट जी बाबा, पल्लवी को मैंने बोला बात करनी और पल्लवी लॉग आउट ही कर दी, ये क्या बात हुई। चलो फिर बाय, ओके सर, नमस्ते।